पहाड़ कितना प्यारा दिख रहा है, पहाड़ बहुत अच्छा दिख रहा है। सऊदीया तो फुल लाइक मारी है तेरे को सोने के लिए दोस्तों, कुर्सी दोस्तों, या हाउस ड्राइवर की लाइफ है सऊदी अरब में, क्योंकि पूरी रात कुर्सी पर बैठकर गुजार दिया हूँ। क्या बोल रहे हो चाचा? चाचा को कट रहा है। खालिक अब्दुल्ला का इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया दोस्तों। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कफिल केटीएस। दोस्तों क्या हाल है, कैसे हो, सब ठीक ठाक बढ़िया, उम्मीद करता हूँ हम लोग अच्छे से होंगे। तो दोस्तों सुबह हो चुकी है मेरी, मैं चल रहा हूँ अभी बैंक में, वहाँ पे पैसा मुझे निकालना है और आज जाना है दोस्तों इस तरह में, इस तरह बोले तो फार्म हाउस दोस्तों जाना है। तो आप लोग को आज इंशाल्लाह फार्म हाउस दिखाता हूँ यहाँ का, सऊदी अरब रियाद का, यहाँ के महिलाएं जो है फार्म हाउस में जाकर कैसे एंजॉय करती हैं, यहाँ के आदमी जो है वहाँ पे फार्म हाउस पे जाकर कैसे एंजॉय करते हैं, कैसे पार्टी रखते हैं, तो सारा इन्फॉर्मेशन दूंगा दोस्तों। ये फार्म हाउस दोस्तों मेरे रूम से 200 किलोमीटर दूर है, यानी कि रियाद से 200 किलोमीटर बाहर है। तो आज इंशाल्लाह हम लोग वहीं पर रहेंगे, आज हमको रात भर वहीं पर रहना है, हमें आज शाम में दोस्तों मैं निकलूंगा, यानी कि मुझे आज पूरी रात वहीं पर रहना है दोस्तों। सुबह में मुझे मॉर्निंग में यानी 8-9 बजे तक वापस आना है। तो आज इंशाल्लाह सारा इन्फॉर्मेशन दूंगा, आप लोग को दिखाऊंगा। देखता हूँ दोस्तों रूम मिलता है, मैडम तो बोली कि वहाँ पे रूम है, और चल कर देखता हूँ वहाँ पे रूम है या नहीं है। अभी तो कंफर्म नहीं है, लेकिन मैडम ने बताया कि मुमकिन रूम रहेगा दोस्तों। तो रूम में लेट के आराम से रात गुजरेगी, नहीं रहेगा तो बाहर ही हम लोग को लेटना पड़ेगा, क्योंकि फार्म हाउस पे आदमी नहीं जा रहे हैं। मेरी जो पार्टी है फार्म हाउस पे, वहाँ पे आदमी का नहीं है, वहाँ पे लेडीज का है। और एक ही रिक्वेस्ट है दोस्तों कि मेरे चैनल पर पहली बार हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। तो चलिए मैं आ चुका हूँ एटीएम पे, अपने लिए पैसे निकाल लूँ। वहाँ पे जहाँ जाऊँगा फार्म में पैसे हैं, वहाँ पे एटीएम है कि नहीं है, वहाँ पे जंगल एरिया में क्या एटीएम मिलेगा। तो मैं अपने खर्चा पानी के लिए यहाँ से कुछ निकाल लेता हूँ। तो ये है दोस्तों एटीएम, मेरा है एटीएम, और मैं इसको लगाता हूँ, इसमें करता हूँ लैंग्वेज सेलेक्ट, पिन कंटिन्यू करता हूँ, यहाँ पे मारता हूँ बैलेंस इंक्वायरी में कितना पैसा है, 2557 रियाल है। मैं इसको करता हूँ यस, लिख देता हूँ 50 रियाल, तो भी पैसा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों एटीएम कार्ड, और इधर 50 रियाल मिल गया, इसको कर देता हूँ कैंसिल। तो मैं पैसा ले लिया हूँ, चल रहा हूँ रूम पर, गाड़ी में रखूंगा दोस्तों सामान सारा, और उसके बाद में मैं कुछ देर इंतजार करूँ यहाँ से। दोस्तों मैडम बताइए कि 2 से लेकर 3 बजे तक यहाँ से निकलना है, बने रहिए वीडियो में। आप लोग को मिलता हूँ दोस्तों अब फार्म हाउस में। फाइनली दोस्तों हम लोग आ चुके हैं फार्म हाउस पर, और अभी चल रहे हैं दोस्तों हवा भराने मछली में। आप लोग को दिखाता हूँ अभी मछली, और चाचा गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। तो हम लोग भैया मछली में आए हैं हवा भरने, और हाँ इसको चालू कर, आइए है मछली, देखो बस नहीं दखते है मम, बस क्या हो गया है, और है और सही है। मछली में हवा भरा कर मैडम को दे दिया था। अभी हम लोग चल रहे हैं दोस्तों एयरपोर्ट, क्योंकि चाचा का लड़का जो है इंडिया से आ रहा है सऊदी अरब में, तो हम लोग चल रहे हैं एयरपोर्ट उसको रिसीव करने। तो आप लोग बने रहे दोस्तों वीडियो में, आप लोग को एयरपोर्ट भी यहाँ का दिखाता हूँ दोस्तों। और दिल तो करता कि मैं बैग लेकर इधर से घर चला जाऊँ, लेकिन क्या करो मजबूरी है फिर। तो आप लोग बने रहे वीडियो में, अब यहाँ पे आप लोग को लाइन से आपको खजूर का बाग दिखाते हैं, और इस तरह दिखाते हैं। तो ये सामने आपको जितना भी दोस्तों दिख रहा है ये सब इस तरह फार्म हाउस है। तो यहाँ पे चारों तरफ दोस्तों पहाड़ है, पहाड़ के बीच में ये फार्म हाउस बना हुआ है, और यहाँ पे आपको काफी मिल जाएंगे दोस्तों खजूर की बाग। पहाड़ बहुत अच्छा दिख रहा है,
पहाड़ के ऊपर टावर भी लगा है। ये टावर बाकी इधर तो सब आपको मिल जाएगा खजूर की बाग। इसमें तो और फुल एचडी दिखेगा। हाँ हाँ अरे कम हुआ इसका। चलो भाई ले लेता हूँ फिर भाई। आते महीने रात अच्छे अगर भी आ गए तो अंदर स्टार्ट हो गई तो नून पे ले लेंगे एक एक बंदे। हाँ अरे लेगा तो क्या वीडियो बनता जबरदस्त वीडियो। मैं लेते रहता हूँ तू बोलते रहे। हाँ सऊदीया तो फुल लाइक मारी है तेरे। तो यहाँ पे लगे हुए हैं और यहाँ पे ये बाग जो है दोस्तों खजूर की है। तकरीबन 100 बीघा की बाग है दोस्तों खजूर की। तो यहाँ पे बाकी पब्लिक सिटी है। हम लोग भैया मजरे की साइड से निकल कर आ चुके हैं सिटी में। यहाँ पे ट्रैफिक मिल चुकी है रोड पे और ये रोड दोस्तों सीधे एयरपोर्ट जाती है। 30-35 की है। पूरा जमीन जाएगा है। देख बेटे हाँ ये छे देख पिलर नंबर। तो फाइनली दोस्तों हम लोग एयरपोर्ट पे आ चुके हैं। एयरपोर्ट का नाम है किंग खालिद अब्दुल्ला दोस्तों। तो ये टर्मिनल 5 है, हम लोग को टर्मिनल 2 पे जाना है। तो फ्लाइट आप देख सकते हैं ये माशाल्लाह काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है दोस्तों। तो यहाँ का डेकोरेशन चेक करिए एयरपोर्ट का कितना अच्छा बना हुआ है। 41 अभी 20 आगे चलना है। 23 टर्मिनल नंबर तो 3 ही है। हाँ 3 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि अभी फ्लाइट उतरी है तो सब आदमी अपने अपने बैग लेकर सब दोस्तों बाहर निकल रहे हैं और चाचा का लड़का यहीं पे कहीं है तो उसको ढूंढ कर गाड़ी में बैठा कर फिर चलते हैं दोस्तों रूम पे, उसको छोड़ता हूँ। और दोस्तों हम लोग एयरपोर्ट से वापस आ गए, लड़के को छोड़ दिया। चाचा का लड़का आया था इंडिया से तो हम लोग उसको रूम पर छोड़ दिया और एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया दोस्तों। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वहाँ गाड़ी का शीशा मेरा टूट गया, ये आप लोग को दिखा दें। तो ये दोस्तों गाड़ी का शीशा चलते चलते फूट गया। तो हम लोग आए हैं दोस्तों दुकान पे गैरेज में यहाँ पे शीशा लगवाने, देखते हैं कितने रियाल का मिलता है। यहाँ पे सेकंड लगवाएंगे, नया तो महंगा होगा लेकिन सेकंड लगवाएंगे हम लोग। आप लोग को माल दिखाते हैं। यहाँ पे आप सेकंड शीशा ले सकते हैं। लेंस है यहाँ पे शीशा लगा हुआ। दोस्तों मंजिल पर हम लोग पहुंच चुके हैं। अभी मंजिल पर नहीं पहुंचे, ये पेट्रोल पंप है यहाँ पर हम रुके हैं। तो वॉशरूम जाना था दोस्तों, तो वॉशरूम हम लोग का हो चुका है। अब ये पेट्रोल पंप आप लोग को दिखाते हैं, यहाँ पे काफ़ी अच्छा पेट्रोल पंप है। और आज हम लोग आए हुए थे दोस्तों इस तरह में, यहाँ से मेरे रूम से इस तरह दोस्तों 250 किलोमीटर दूर आया हूँ मैं। तो पानी का जो शीशा था वो शीशा भी बन चुका है, आप देख सकते हैं। पानी सारा काम जो था वो अपना करके तो अभी यहाँ से दोस्तों इस तरह जो है वो तकरीबन 25 किलोमीटर दूर है। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में। चलिए दोस्तों बने रहिए वीडियो में, हम आप लोग को मिलते हैं अब पहुँच कर इस तरह में जहाँ पे अपनी मैडम लोग हैं वहाँ पे पहुँच कर इंशाल्लाह मिलते हैं। फाइनली दोस्तों आज हम लोग की सुबह यहीं पर हो गई और हम लोग को मिली है आज सोने के लिए दोस्तों कुर्सी। और कुर्सी पर दोस्तों नींद आई नहीं, यहाँ पे रूम पे बताया कि आया कि आप लोग को रूम मिलेगा लेकिन यहाँ आने पर रूम मिला ही नहीं दोस्तों।
तो फिलहाल हम लोग यहीं पे बैठे हैं। अभी का टाइम दोस्तों बज रहा है 4, आप देख सकते हैं 4:30। तो हम लोग भैया यहीं पे लेटे हुए हैं और आपसे दोस्तों सुबह हो चुकी है। मेरी गाड़ी है और ये चाचा की गाड़ी है, बाकी आप देख सकते हैं। यही दोस्तों यह हाउस ड्राइवर की लाइफ है सऊदी अरब में, आप देख सकते हैं। काम अच्छा भी है, अच्छा भी नहीं है। चले आज हम लोग की पूरी रात कुर्सी पर बैठकर गुजार दिया हूँ। क्या करें यार, क्या बोल रहे हो चाचा? बोलने का नहीं रहा भैया, खाली मच्छर मार गया। चाचा को काट रहा है भैया मच्छर। और बाकी कई भी ड्राइवर आए हुए थे लेकिन सब अपनी अपनी मैडम को लेकर चले गए, कुछ मैडम को छोड़ कर चले गए, लेकिन हम लोग हैं सिक्योरिटी गार्ड तो आप लोग को भैया रोक कर रखा था, हम हैं और चाचा है मेरे बस। बाकी हम लोग यहीं पे एंजॉय कर रहे हैं भैया, क्या करें, मस्त लाइफ रहे। अच्छा लगा हम लोग को आज यहाँ पर ठंडा ठंडा मौसम है। रियाद में तो बहुत गर्मी गर्मा है, यहाँ पर ठंडा ठंडा मौसम में फुल इंजॉय। आज अच्छा दिन रात गुजरी है और भी हम लोग को पता नहीं कि कितने बजे निकलेगी यहाँ से मैडम। 11 बजे तक की इंशाल्लाह जाने का प्लान है। चलिए बने रहे वीडियो में और मिलते हैं कुछ देर के बाद। सुबह हो चुकी है, वहाँ पे चांद बाबा नज़र आ रहा है। वाह, तो ये सऊदी अरब की सुबह सुबह आप देख सकते हैं भैया। और ये है मेरा लोग का इस तरह। आज की रात दोस्तों हम लोग कुछ पहाड़ों के बीच में गुजरी है, आप देख सकते हैं चारों तरफ मेरे पहाड़ी पहाड़ नज़र आ रहा है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं कितना बड़ा पहाड़ है। और ये अपना इस तरह है, चाचा गाड़ी में सो रहे हैं और हम भैया टहल रहे हैं क्योंकि सुबह हो चुकी है दोस्तों। बज रहा है 5, तो आप देख सकते हैं ये पहाड़ चक्करिया है। तो ये होती है भैया यहाँ की महिलाओं की लाइफ। तो ये होती है दोस्तों यहाँ की महिलाएं की लाइफ, पूरी पूरी रात गुजार देती हैं दोस्तों बाहर, ड्राइवर भी परेशान रहता। यही लाइफ है भैया हाउस ड्राइवर की और यही लाइफ है अरब कंट्री की महिलाएं की दोस्तों। जितनी भी पैसे वाली पार्टी है तो वो यही करती है दोस्तों। छुट्टी है, मदरसा बंद, सब कुछ बंद चल रहा, तो ऐसे इंजॉय करती रहती हैं पूरी पूरी रात। और आने के राधा दोस्तों यहाँ पर 10 या 11 बजे सुबह में, 5 बज गया, 5-6 घंटे भी और रहेंगे हम यहीं पर। तो यही होती भैया लाइफ यहाँ सऊदी अरब की। इतनी आसानी से पैसा नहीं मिलता भैया, बहुत कुछ यहाँ पे झेलना पड़ता है फिर जाके पैसा मिलता है। काली रात को बैठकर दोस्तों सवेरा करना पड़ता है तो जाकर यहाँ पे पैसा मिलता है। तो बने रहिए वीडियो में, मिलते हैं आप लोग को कुछ देर के बाद।